ओके, तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पिछला लेक्चर ही। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट कर रखा था और हमने एंड किया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और वहां से उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले थे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से इसके तीन सॉल्यूशंस मिलते हैं। और वैसे भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा तीन रूट हो सकते हैं, रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू ओमेगा एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 मिनट। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली ये है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट, ये वाले जो दो रूट्स हैं ये कम्प्लेक्स हैं, तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे का स्क्वेयर हैं। स्क्वेयर होने का मतलब यह है कि इसका स्क्वेयर लेने से ये मिलता है और इसका स्क्वेयर लेने से ये मिलता है। यानी यहाँ से ये भी पता चला कि ओमेगा क्यूब जो है वो तो वन होता है। सो दैट्स वाई अगर आप ओमेगा स्क्वेयर का भी स्क्वेयर लेंगे तो वो भी वन होगा, सॉरी वो ओमेगा होगा। यानी इसका स्क्वेयर लेने से ये मिलता है और इसका स्क्वेयर लेने से ये मिलता है। दूसरी बात उसमें ये है कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। यानी अगर आपके 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर करें तो वहां से आंसर जीरो मिलता है। तीसरा यह है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, और फिर फोर्थ ये है कि ओमेगा पावर एन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी ओमेगा पावर एन आप लेते हैं तो वो या तो वन होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वेयर होगा, तो इसका मतलब उन्हीं में से कोई एक होगा। अब इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए भी हो सकती हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी तब मिलेंगे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो इसके रूट्स होंगे 1, -1, आयोटा और -आयोटा। अब इनमें से दो कम्प्लेक्स हैं और दो रियल हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करें और आपके पास एक कम्प्लेक्स रूट आए तो उस कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव इस उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का रूट होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। इसी तरह यहाँ पर जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं, कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, वो भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें कि अगर आप इनको ऐड करें तो जीरो बनता है। इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, जरा वो -1 मिलेगा। ओके, और इनमें से ये जो दो रियल हैं ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और कॉम्प्लेक्स भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस भी हैं। आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -आयोटा और एडिटिव इनवर्स भी -आयोटा होता है। रियल के साथ आप 4 भी लिख रहे हैं। ओके, द रियल 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सॉरी ये गलत लिखा गया। द रियल 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ, नो बल्कि हाँ इस पॉइंट को आप ना ही डिस्कस करें। यानी ये कहा गया है, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रियल हैं वो दोनों भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेज हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या होती है? हमने डिग्री 2 की बात की थी, तो इस तरह डिग्री एन तक अगर इस तरह के एक्सप्रेशन लिया जाए, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो वन प्लस ए नॉट, जबकि एन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट ये सारे रियल नंबर्स हों तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री का तायुन इससे किया जाता है कि एक्स की मैक्सिमम पावर कौन सी इन्वॉल्व है। अगर ए एन जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब एक्स की पावर एन इसकी मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि इसकी डिग्री एन है। डिवीजन एल्गोरिदम है कि जब भी आप किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन पर डिवाइड करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, इसका मतलब यह है कि ये जो डिवाइजर है वो इसको डिवाइड कर रहा है, और डिवाइजर इसे उसी सेंस में ही कहते हैं। यानी यहां पर ये डिवाइजर इस तरह से कहा जा रहा है कि देयर इज द डिवाइडेंड, देयर इज डिवाइजर, जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां पर बचता है क्वोशेंट और नीचे जो बचता है यहां पर होता है रिमाइंडर।
ओके तो अगर आपने रिमाइंडर फाइंड करना हो, आपके पास एक पॉलिनोमियल हो एफ ऑफ एक्स और आप उसको डिवाइड करें किसी लीनियर पॉलिनोमियल पर एक्स माइनस ए पर, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप जस्ट उस फंक्शन में, उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह ए पुट कर दें तो रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आप इस तरह एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। अब ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अगर हम देखें कि एक्स की जगह वन पुट कर दें तो एफ ऑफ वन इक्वल होगा वन क्यूब माइनस वन। अब ये एफ ऑफ वन जो है ये तो रिमाइंडर है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो के इक्वल हुआ है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे, उनका सम इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके रूट्स का जो प्रोडक्ट है पी वो इक्वल होगा सी ओवर ए, यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हमें रूट्स बता दिए जाएं, किसी इक्वेशन के रूट्स अगर कह दिए जाएं कि अल्फा और बीटा हैं, तो वहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये होगी एक्स माइनस ए एक्स सॉरी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक इक्वेशन अगर दी गई हो तो उसके रूट्स के बारे में बगैर रूट फाइंड किए ये तयन किया जा सकता है कि उसके रूट्स कौन से हैं, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, किस तरह के हैं, तो वो डिसाइड होता है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमें एक नंबर मिलता है वो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो अगर देखें आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाई टू ए, तो दो रूट हमें मिल गए, एक को हम अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। तो अगर एक अल्फा है तो अल्फा हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और दूसरा अगर बीटा है तो बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हैं इस डिस्क्रिमिनेंट पर, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ले रहे हैं वो रियल कोफिशंट्स के साथ ले रहे हैं, यानी ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर तो ये जीरो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रूट बन जाएंगे माइनस बी ओवर टू ए। अगर दोनों माइनस बी ओवर टू ए होंगे तो बी और ए तो रियल हैं, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि द रूट्स विल बी रिपीटेड, यानी इक्वल होंगे। अब ये जो रियल हमने कहा है, ये सारी कंडीशन उस वक्त लिखी गई हैं जब ए बी और सी रैशनल भी हैं। चले हम साथ ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि ए बी सी बिलोंग टू क्यू, तो अल्टीमेटली वहां पर उनकी जो फ्रैक्शन होगी माइनस बी ओवर टू ए वो भी रियल होंगे, तो उस सूरत में, बल्कि आप उसे रैशनल भी कह सकते हैं अगर रियल है, ये उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि रियल कैसे हैं, रैशनल कैसे हैं, इरेशनल कैसे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब यह कि यहाँ स्क्वायर रूट के इन साइड नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो ये जो दोनों रूट्स होंगे ये कम्प्लेक्स बन जाएंगे, और कम्प्लेक्स भी इस तरह के एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर दोनों रूट्स अनइक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, साथ में रैशनल और इरेशनल का तयन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर फोर मुकम्मल हुआ। चंद एक क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे थे, मैं उनको टैकल करूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ओके सर, सम ऑफ एंथ रूट्स ऑफ जीरो होता है ना इन जनरल? यस होता है, एंथ रूट्स ऑफ एंथ रूट भी जीरो होता है। जी, मेरा ख्याल है एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनका सम भी जीरो होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सर, सिंथेटिक डिवीजन के रूट्स फाइंड करना बताइए। बताता हूँ जी सर, रूट्स एक्सट्रेनियस कब बनते हैं? एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी सर। ओके ओके, अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन जो है ये बेसिकली एक प्रोसेस है डिवीजन का ही। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर
प्लस थ्री, और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं एक्स प्लस फाइव पर या एक्स माइनस फाइव पर, चलें और आसान हो जाएगा। अब इसको यहां डिवाइड किया जा सकता है, ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन कहलाता है, ओके। और दूसरा मेथड जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है, तो जस्ट वो एक मेथड है डिवाइड करने का। कैसे, आप ऐसे लिखें, यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशियंट लिखें, पहले वन है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट लिखें जो कि फाइव है, एक्स का कोफिशियंट लिखें जो कि जीरो है, और फिर कॉन्स्टेंट लिखें। आप एक्स माइनस फाइव पर डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर फाइव लिखें, पहली टर्म को एज इट इज नीचे लिख दें, फाइव वन जार फाइव, और यहां पर माइनस करना शुरू कर दें, ये जीरो हो जाएगा। सो जीरो फाइव जार जीरो, तो ये फिर जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा, आई थिंक ये भी जीरो ही बन जाएगा, और इस तरह यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो फैक्टर हमारे पास मिला है, सॉरी फैक्टर कह रहा हूँ, उसका रिमाइंडर थ्री है और उसका क्वोशेंट एक्स स्क्वेयर है, यानी एक्स माइनस फाइव को अगर हम इस पर डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस थ्री। ओके, तो ये जस्ट सिंथेटिक डिवीजन है, यानी ये एक डिवाइड करने का ही एक तरीका है, इसके अलावा इसमें और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर फाइव जो है वो बात करता है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन की सिंपल सी चार टेक्निक्स हैं, आई थिंक मैंने वो यहाँ नहीं किया हुआ, मैं एक मिनट उसे कर लूँ। ओके, अब मेरा ख्याल है वॉइस भी आ रही होगी। अच्छा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी किस किया, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से लेस होती है, और अगर डिग्री बराबर हो जाए या न्योमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले उसको प्रॉपर बनाया जाना चाहिए, और जब वो प्रॉपर बन जाए तो फिर उसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन की जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अहम आमतौर पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, या फिर आप इसे कह सकते हैं दिस इज कंडीशनल इक्वेशन या कंडीशनल जस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्स की सम वैल्यूज के लिए ट्रू है, सम वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। जबकि अगर मैं ये लिखूं कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, नो दिस इज ट्रू फॉर एवरी थीटा, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड दिस इज कॉल्ड जस्ट इक्वेशन। तो आइडेंटिटी भी होती है एक किस्म की इक्वेशन ही है, लेकिन उससे ज्यादा होती है कि वो उसमें हर वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू आप पुट करें उसके लिए वो सेटिस्फाई होती है, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का हो फ्रैक्शन में सम पी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ओनली हो, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो एक्स माइनस बी, तो नीचे जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो नॉन रिपीटेड हैं, इस सूरत में हम इसे कहते हैं दीज आर नॉन रिपीटेड। तो तब तरीकाकार ये है कि ए ओवर एक्स माइनस ए एंड प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी करके इसे सॉल्व कर लें। अच्छा, अगर इनमें से किसी एक की पावर टू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि यहाँ एक्स माइनस ए जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड है, यानी वो एक से ज्यादा मरतबा यूज हुआ है। तो अगर ये रिपीटेड हो तो फिर उस सूरत में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, सो बी ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वेयर और प्लस सी ओवर एक्स माइनस बी लिखा जाएगा इसको। और अगर यहाँ पर ऐसा हो कि ये रिपीटेड भी है और लीनियर भी है, अगर इनमें क्वाड्रेटिक भी शामिल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस सी आ जाए या एक्स स्क्वेयर प्लस सी आ जाए, और क्वाड्रेटिक भी ऐसा हो जो इररिड्यूसिबल हो, इररिड्यूसिबल का मतलब यह है कि उसके फैक्टर ना बन सकते हैं, तो उस सूरत में हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स प्लस ई एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो आमतौर पर इसी तरह की हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ती है। काइंडली एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 10 नाइला। ओके, पॉइंट नंबर 10 में ये बताया गया है कि आपके पास जो नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो इररिड्यूसिबल कब है। इररिड्यूसिबल से मुराद ये है कि आप उसके फर्दर फैक्टर ना बना सकते हो, जैसे एक्स स्क्वेयर
-1 जो है ये रिड्यूसिबल है, इसको हम लिख सकते हैं x+1 इंटू x-1, जबकि x²+1 जो है रियल्स में ये इररिड्यूसिबल है, क्योंकि इसको हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट, लीनियर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इक्वेशन है वो एक ओपन सेंटेंस है, लेकिन इक्वेशन हम आमतौर पर उसको बोलते हैं जो एक्स की सम वैल्यूज के लिए ट्रू है, यानी इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो वहां से एक्स के पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती हो, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे आप इसको देखें, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल वन, और अगर आप इसी बुक के आखिरी कुछ चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 10 देखें, तो वो उसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी उसमें जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं वो हर एंगल के लिए वैलिड है। जैसे साइन 2x दैट इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो ये x की हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, जबकि अगर आप इसको देखें 2x+2 = 0, तो ये x की सिर्फ वन वैल्यू के लिए ट्रू है, वरना ये ट्रू नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कंडीशनल या जस्ट इक्वेशन, एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सिंथेटिक डिवीजन गलत कर दी थी कैसे, मैं देखता हूं जी, एक मिनट। ओके ओके, डिनोमिनेटर इज क्यूबिक एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, देन ax² + bx + c, व्हाट पुट इन न्योमिनेटर। एक क्या कह रहे हैं जी, डिनोमिनेटर इज क्यूबिक एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, देन ax² + bx + c = व्हाट पुट इन न्योमिनेटर। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा जी, ये मोहम्मद जीशान कुरेशी। मैं माइक ओपन करता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ।